नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। कैंसर, किडनी, लीवर के इलाज के लिए झारखंड सरकार देगी 10 लाख। झारखंड में कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, लीवर के गंभीर रोगों सहित असाध्य बीमारी के इलाज के लिए मरीजों को अब अधिकतम 10 लाख रुपए मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में इसे लेकर बदलाव करने की तैयारी है। बता दें, अभी तक इस योजना के तहत मरीजों को असाध्य बीमारी के इलाज के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये मिलते थे। वर्तमान में राज्य सरकार की इस योजना के तहत लगातार 3 वर्ष तक अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों के मरीजों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का। दलगत आधार पर नहीं होगा नगर निकाय चुनाव। झारखंड सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनावों को दलगत आधार पर नहीं कराने का निर्णय किया है। पुरानी व्यवस्था फिर से लागू होगी जो 2011 में प्रभावी थी। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। बता दें, राज्य के नगर निकाय में प्रॉपर्टी टैक्स की गणना का तरीका बदला गया है। अब सर्कल रेट के आधार पर इसकी गणना होगी। कैबिनेट में कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। पहली से 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं की नवंबर में होगी परीक्षा। राज्य में संशोधित सिलेबस के आधार पर पहली से 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं की नवंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा हर महीने पहले सप्ताह में होने वाले मूल्यांकन से अलग होगी। इसमें संशोधित किए जा रहे 25% सिलेबस को हटाते हुए कुल 75% पाठ्यक्रम में से आधे से प्रश्न पूछे जाएंगे। बता दें, संशोधित पाठ्यक्रम में आधे की पढ़ाई अगले 2 महीने में पूरी कर ली जाएगी। नवंबर के बाद मार्च 2022 में वार्षिक परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। ANM GNM संघ ने CM आवास के बाहर किया प्रदर्शन। झारखंड राज्य NRHM ANM GNM संघ की नर्से और पैरामेडिकल कर्मचारी अस्थायीकरण को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने CM आवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं पर उनके आवास के बाहर ही प्रदर्शन किया। बता दें, नर्सों ने कहा कि 1 साल से लगातार मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं पर मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस दौरान अधिक गर्मी की वजह से संघ की अध्यक्ष मीरा कुमारी बेहोश भी हो गई, जिन्हें अन्य सदस्यों ने आनंद फानंद में सदर अस्पताल पहुँचाया। हालांकि बाद में उनकी तबीयत सामान्य हो गई। हेमंत सरकार गिराने के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। हेमंत सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोपी निवारण महतो, अमित सिंह एवं अभिषेक दुबे को फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। बता दें, मंगलवार को SEBI के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने तीनों की जमानत अर्जी सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। बता दें, सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक AK गुप्ता ने अदालत को बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत है। CDR से पता चला है कि तीनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर HRA व DA बढ़ा। झारखंड के हेमंत सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को त्यौहार पूर्व तोहफा दिया है। बता दें, केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों का हाउस रेट अलाउंस बढ़ाने पर स्वीकृति दी गई है। राज्य कर्मियों को अब केंद्र के कर्मियों के अनुरूप ही HR दिए जाएंगे। वहीं राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता DA 25% से अधिक हो गया है। बता दें, मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। झारखंड में सर्किल रेट पर लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स। झारखंड में अब जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाने वाले जमीन के सर्किल रेट के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स देय होगा। बता दें, प्रॉपर्टी टैक्स को सर्किल रेट से टैग करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 को स्वीकृति दी है। बता दें कि अब तक राज्य में सड़कों को आधार मानकर प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित होता था, लेकिन अब जमीन के सर्किल रेट के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। बता दें, नए प्रावधान के मुताबिक आवासीय निर्माण के लिए सर्किल रेट का 0.075% प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में देय होगा। वहीं गैर आवासीय प्रॉपर्टी के लिए 0.15% की दर से टैक्स लगेगा। पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू होगी बाघों की गणना। 2022 में भारत के सभी बाघ अभयारण्य में बाघों की गिनती पूरा करते हुए आंकड़ा जारी करना है। बता दें, बाघों की गणना का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो गया है। झारखंड से इस ट्रेनिंग के लिए पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक कुमार आशुतोष समेत 3 अधिकारी देहरादून के राजाजी नेशनल पार्क गए हैं, जो 26 अगस्त तक हिस्सा लेंगे। बता दें, प्रशिक्षण के बाद यही 3 अधिकारी झारखंड के वन विभाग के अधिकारियों,
एवं कर्मचारियों को बाकी गन्ना को लेकर ट्रेनिंग देंगे। झारखंड में होगी नेक्स्ट हब की लॉन्चिंग। केबल एवं ब्रॉडबैंड की सेवाएं प्रदान करने वाले नेक्स्ट डिजिटल ने नेक्स्ट हब की लॉन्चिंग की घोषणा की है। बता दें, नेक्स्ट हब सबसे पहले झारखंड की राजधानी रांची में उम्मीदों की उड़ान टैगलाइन से लॉन्च होगा। इससे सब्सक्राइबर्स को 650 से अधिक डिजिटल चैनल की उपलब्धता, उच्च गुणवत्ता की वीडियो क्वालिटी और साउंड समेत 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट की सेवा भी मिलेगी। झारखंड में कुल एक्टिव केस की संख्या 165 है। भारत में 37,607 नए केस मिले हैं। भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 316,211 है। झारखंड की ओलंपियन तीरंदाज दीपिका परिवार संघ सीएम हेमंत से मिली। विश्व की नंबर वन तीरंदाज दीपिका कुमारी परिवार संघ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिली। इस दौरान माता पिता के अलावा दीपिका के पति तीरंदाज अतनु दास भी साथ थे। सीएम श्री सोरेन से दोनों तीरंदाज समेत उनके परिजनों का स्वागत किया। वहीं तीरंदाजी में निरंतर आगे बढ़ते रहने की कामना भी की। तीरंदाज दीपिका और अतनु दास ने भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन कर राज्य व देश का नाम रोशन करने का आश्वासन दिया। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के अभ्यर्थियों को मौका। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के अभ्यर्थियों को ईमेल आईडी में सुधार का मौका दिया गया है। आवेदनों की जांच के क्रम में ये देखा गया कि कई अभ्यर्थियों ने रिश्तेदारों की ईमेल आईडी दे दी है। ऐसे में आशंका है कि परीक्षा से जुड़े सूचनाएं उन्हें समय पर नहीं मिल सके, इसलिए प्रबंधन व परीक्षा एजेंसी ने अभ्यर्थियों को सुधार का एक मौका दिया है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को लिखा पत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य के स्नातक व उच्च योग्यताधारी आदिम जनजाति युवक युवतियों का सरकारी सेवा में तृतीय वर्ग के पदों पर सीधे नियुक्ति करने की मांग की है। बता दें, श्री मरांडी को इस संदर्भ में दुमका के रहने वाले ज्योति कुमार सिंह व सीमोन मालतो ने आवेदन दिया था। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के मुताबिक कल्याण विभाग के संकल्प संख्या 2965 दिनांक 23 सितंबर 2005 के द्वारा 30 नवंबर 2008 तक राज्य के स्नातक व उच्च योग्यता प्राप्त आदिम जनजाति युवक युवती को तृतीय वर्ग में नियुक्ति में सामान्य प्रक्रिया में छूट देकर समरणालय व जिला स्तर पर अन्य कार्यालयों में नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। 2021 में उग्रवादी घटनाओं में नहीं आई कमी। राज्य में नक्सल प्रभावित इलाके में वर्ष 2020 की अपेक्षा 2021 में नक्सली और उग्रवादी घटनाओं में विशेष कमी नहीं आई है। बता दें, जहां 2020 में 12 माह के दौरान नक्सलियों और उग्रवादियों ने 126 घटनाओं का अंजाम दिया था, वहीं दूसरी ओर 2021 में जुलाई माह तक नक्सली और उग्रवादी 57 घटनाओं का अंजाम दे चुके हैं। लेकिन मामले में एक बात गंभीर यह है कि जहाँ 2020 में सिर्फ एक जवान शहीद हुआ था और 4 लोग घायल हुए थे, वहीं वर्ष 2021 में 4 जवान शहीद हो चुके हैं जबकि 8 लोग घायल हैं। जातीय जनगणना को लेकर सीएम हेमंत से मुलाकात करेगी राजद। जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर प्रदेश राजद का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगा। यह बातें राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने युवा राजद की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद व पार्टी हमेशा जातिगत जनगणना की पक्षधर रही है। झारखंड की ओलंपियन हॉकी निकी व सलीमा का जोरदार स्वागत। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली खूंटी की हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान और सिमडेगा की सलीमा टेटे मंगलवार को खूंटी पहुंची। दोनों का खूंटी में भव्य स्वागत किया गया। दो अलग अलग खुले जीप में सवार होकर निकी प्रधान और सलीमा टेटे ने नगर का भ्रमण की। दोनों खिलाड़ियों को फूलमाला और गुलदस्ते से स्वागत करते गए। इस दौरान दोनों ओलंपियन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। मैट्रिक इंटर पूरक परीक्षा ओएमआर सीट पर। मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट के परिणाम में असफल घोषित तथा परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए सितंबर माह में विशेष परीक्षा होगी। आपदा प्रबंधन विभाग पहले ही इस परीक्षा के ऑफलाइन आयोजन की अनुमति दे चुका है। वहीं स्कूली शिक्षा एवं सक्षरता विभाग के निर्देश के बाद जैक परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। मैट्रिक और इंटर की पूरक परीक्षा के साथ ही मदरसा की परीक्षा के आयोजन को लेकर भी विभाग ने जैक से तैयारी करने को कहा है। बता दें, ये सभी परीक्षाएं ओएमआर सीट पर ली जाएगी।
87% बच्चे बोले अब समझ नहीं आती पढ़ाई। कोरोना संक्रमण काल में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, खासकर बच्चों की पढ़ाई पर इसका बड़ा असर हुआ है। बता दें पिछले 18 महीने से बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन चल रही है। प्राइवेट स्कूलों की ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति थोड़ी ठीक भी है, मगर सरकारी स्कूल के बच्चों की हालत सबसे खराब है। बता दें इसमें प्राथमिक कक्षा के बच्चों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। राज्य में भारत ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा इस महीने की शुरुआत में 17 जिलों के 115 प्रखंडों, 620 पंचायतों और 877 गांवों में 662 वॉलेंटियर के द्वारा किए गए एक व्यापक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इसमें पाया गया कि 87.2% बच्चे को ऑनलाइन क्लास में चीज़ें समझ में नहीं आती है। स्कूल फीस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में 6 सितंबर को सुनवाई। स्कूल फीस के मामले में दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। बता दें झारखंड अनट्रेड प्राइवेट स्कूल की ओर से राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने की बात कही गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से यह भी कहा गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, ऐसे में राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। दल बदल मामले में जारी रहेगी सुनवाई। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल के मामले में विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई। वर्चुअल सुनवाई के दौरान बाबूलाल के अधिवक्ता ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में प्रारंभिक आपत्ति फाइल की है। बाबूलाल के भाजपा में शामिल होने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग का आदेश आ चुका है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। झारखंड के 12 जिलों में बनेंगे फील्ड हॉस्पिटल। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए झारखंड के 12 जिलों में फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण होगा। बता दें 6 जिलों में 50-50 बेड तथा इतने ही जिलों में 100-100 बेड के ऐसे अस्पताल बनेंगे। इन अस्पतालों का निर्माण उन क्षेत्रों में होगा जहां से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी अधिक है। ये अस्पताल 1 से 1.5 माह में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। बता दें केंद्र ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं कुल 569 करोड़ रुपए की स्वीकृति कोरोना से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए भी प्रदान की है। धन्यवाद।